You're watching Radhika as Simar on Dev Chakra. Hi guys, this is Nehna और आज हम ससुराल सिमर का के सेट पर हैं और हम बात कर रहे हैं राधिका से, यानी हमारी सिमर से। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि शो में करवा चौथ की तैयारी चल रही है, तो करवा चौथ सीरियल में क्या ड्रामा लेकर आया होगा? करवा चौथ ड्रामा तो नहीं, आई एम श्योर। सी, करवा चौथ इज अ वेरी ब्यूटीफुल फेस्टिवल, जो दो लोग प्यार करते हैं, दूसरे को फास्ट रखते हैं। आजकल के ज़माने में तो लड़के भी रखते हैं फास्ट, सो इट्स अ ब्यूटीफुल फेस्टिवल। ड्रामा तो नहीं कहूँगी, हाँ काफ़ी कुछ होगा आई एम श्योर, बट एट द एंड सब कुछ अच्छा होगा। ओके, करवा चौथ के त्यौहार पर आप परफॉर्म करने वाली हैं, अब जैसे कि आप शो में सिंगिंग करती हैं, तो सिंगिंग के साथ साथ अब फैंस को आपका डांस भी देखने मिलेगा, तो डांस का आपका परफॉर्मेंस कैसा है, अपने डांस के बारे में? आई थिंक मैंने पहले भी काफ़ी 3-4 गाने पे परफॉर्म किया होगा एज समर, तो एक और गाना उनको देखने को मिलेगा। आई एम एक्साइटेड, अभी रिहर्सल्स तो मेरी हुई है, करना शुरू कर दी है। ओके, हम देख पा रहे हैं कि शो में एक और नई एंट्री हो गई है समर की, तो क्या समर सिमर और आरव के बीच की दूरियां बढ़ा देंगे या समर की तरफ से आरव और सिमर और नज़दीक आ जाएंगे? वो भी यू नो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कैसा सिचुएशन आएगा उसमें, क्या सिमर क्या फील करती है, आरव क्या फील करता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या लगता है, जैसे कि आपने समर का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है, तो वो उस ऑफर को रिजेक्ट करने में किसका ज़्यादा लॉस है, आपका यानी राधिका सिमर का लॉस है या फिर समर का ज़्यादा लॉस है? एक्चुअली सिमर उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती ही नहीं है, यू नो पैसा देखा जाए तो समर के लिए ज़्यादा लॉस लग रहा है। सिमर खुश है, वो अपना रियाज करती है, अपना गाती है, तो खुश ही रहती है। ओके, और करवा चौथ आपकी रियल लाइफ में कितना स्पेशल रहा, क्या कुछ नया किया आपने? जी, मैं एक्चुअली रियल लाइफ में करवा चौथ मनाती नहीं हूँ, मेरे पास आते नहीं, हमारे फेस्टिवल मनाया ही नहीं जाता, बट या मैं सबको देखा मनाते हुए, मतलब मैंने देखा है तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने अपने हस्बैंड को भी विश किया था, सो मैंने बस उतना करवा चौथ मनाया। ओके, फैंस के लिए आप क्या मैसेज करना चाहेंगे? कीप लविंग आवर शो, आप लोग हमारे शो को बहुत प्यार दे रहे हैं, सीरप को बहुत प्यार दे रहे हैं, तो ऐसे ही प्यार करते रहिएगा और हमारा शो देखते रहिएगा। अच्छा, तो आपने बताया कि आप साउथ इंडियन हैं, तो साउथ का कोई एक फेमस डायलॉग? फेमस डायलॉग अभी एकदम से डायलॉग मुझे एकदम से ऐसे माइंड में नहीं आ रहा है। I will say मेरे फेवरेट मूवी से ही बड़ी बड़ी छोटी छोटी बातें होती रहती है सर बेटा। ओके, तो इन दिनों बिग बॉस काफ़ी चल रहा है, तो बिग बॉस को आप फॉलो करती हैं? मैं एक्चुअली पहले देखती थी, बट अभी रिसेंटली 2-3 साल से मैं उतना नहीं देख पा रही, और ये सीजन मैं बिल्कुल भी नहीं देख पा रही क्योंकि मैं खुद शूट कर रही हूँ। आगे फ्यूचर में अगर बिग बॉस में जाने का मौका मिले तो आप क्या रिएक्शन होगा, जाना चाहेंगी या नहीं? एक्चुअली मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकती उस बारे में, आई हैव नो आइडिया। उस वक्त माइंड में क्या आता है, जाने का मन करेगा तो चली जाऊंगी।